मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन दोनों को। क्या कहना चाहिए शो के बारे में? वर्जिन भास्कर काफी डिफरेंट है, ट्रेलर भी देखा तो काफी डिफरेंट लग रहा है। ओके, थैंक यू सबसे पहले तो। और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। शूटिंग करते वक्त भी बहुत मज़ा आया बिकॉज एक फ़न स्टोरी है। और ऐसी बहुत कम स्टोरीज बनती हैं जहाँ पे कि लोग एक आदमी की वल्नरेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। यूजुअली हम पोर्ट्रे करते हैं दैट वो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, बट कहीं ना कहीं हम सब लोग अंदर से वीक भी होते हैं। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट I was able to relate with Bhaskar, that he's still like quite sensitive and very flawed, and like as we all are. So yeah, it was a fun experience working for it, and a beautiful script written by Manish and Ajay, and it's out now. So this is like a dream project for every one of us, and it's like very special. And Virgin Bhaskar special इसलिए है और different है क्योंकि इसकी story काफी different है. It's about the virginity of the guy who falls in love with a girl, और उन दोनों की love story में बस एक ही problem होता है, the guy's virginity, but still वो उस चीज़ को हटा के आगे बढ़ के, मतलब प्यार में आप जब रहते हो ना, आप किसी की कमी नहीं देखते। So that's what is good about, I mean, about this entire thing. और इसके अलावा या इट वाज गुड एक्सपीरियंस लाइक शूटिंग इन बनारस। सबको बनारस बहुत अच्छा लगता है और बनारस की फील दो एक्सेंट जो उन्होंने पकड़ा था, हम सब ने लाइक एवरीबडी, मिश्रा जी, रोहन, ये मैं, एवरीबडी, तो सारे एक्सेंट पकड़ के वो बनारसी टोन लाना, वो मजा आ रहा था। इवन आई थिंक बनारस बिकेम वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर इन द शो। लाइक अगर आप देखें तो पूरे मतलब सारे कैरेक्टर्स के साथ साथ बनारस इन इटसेल्फ इज अ कैरेक्टर इन द शो। शॉट्स भी देखोगे ना, आपको पूरा बनारस का पूरा फील पता चलेगा। तो हां, तो वर्जिन भास्कर उसके लिए है, बनारसी लड़का फर्स्ट टाइम बन रहा है। सोच बते हैं एडर सोच काफी बनेगा, लेकिन इस तरह का शो फर्स्ट टाइम बन रहा है डिजिटल स्पेस में। फिल्म तो आई नहीं है अब तक, एक फिल्म आने के ट्रैक करें बहुत बढ़िया जो कि ब्रेक हो गई हम बोल सकते हैं। इस तरह की फिल्म मुझे ट्रेलर को देख के इस तरह का ट्रेलर उसका भी था सेम। अच्छा, तो क्या कहते हैं उसके बारे में? आई थिंक स्टोरी हम बोल सकते हैं, चूज करने के पीछे क्या रीजन था? आई थिंक द एडवांटेज ऑफ वेब प्लेटफॉर्म इज दैट हम लोग बहुत एक्सपेरिमेंटल हो रहे हैं विद स्क्रिप्ट्स, एंड एज एन ऑडियंस ऑल्सो एक लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस बहुत बढ़ रहा है। और जो एक बड़ी स्टीरियोटिपिकल इमेजेस होती थी वो ब्रेक हो रही हैं, thanks to actors like Ayushmann Khurrana, who are signing characters and scripts like and audience is liking it. It's becoming a huge hit. तो ये सब sign है कि audience अलग तरह का content देखना चाहती है। तो और web एक बहुत अच्छा platform है जहाँ पे कि कई सारी चीजें, especially alt, कई सारी चीजों में experiment alt ने किया है। So people are basically liking the concepts. उनको अभी वो फिल्मी रोमांस वैसे टाइप के नहीं, they want very everything. Yeah, the realness and they relate with the reality of like आप उन्हें देखना चाहोगे जिनसे आप relate कर सको। तो ये एक बड़ा, और वर्जिन भास्कर भी एक बड़ा relatable character है। और in fact वर्जिन भास्कर में जितने भी characters हैं वो बड़े आपके आसपास आप कहीं पे भी ढूंढ लेंगे। आपके best friends, आपका प्यार, आपके लैंडलॉर्ड्स, आपकी सोसाइटी जिस तरह रिएक्ट करती है कई सारी चीज़ों पे, और कैसे कभी कभी सोसाइटी इन अ वेरी अनसेड वे आप पे प्रेशर क्रिएट कर देती है किसी ना किसी बात का। तो उसी पूरे प्रेशर से निकलती हुई ये स्टोरी है और ये कैरेक्टर है। एंड ऑल्सो वेब सीरीज का फायदा ये होता है कि यू आर नॉट स्टिक टू बाउंड्रीज। आपको कोई मतलब यू आर नॉट स्टिक टू स्लॉट और एनीथिंग, आपको जब मर्जी आप तब देख सकते हो। तो दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट इट। That's why people are liking more of web series rather than preferring going to TV. इसके बाद क्योंकि आपने नागिन किया था, काफी अप्रिशिएट किया लोगों ने। तो उसके बाद में ये शो करना, कुछ बातचीत हुई रहेगी फैमिली में, तो क्या था? क्योंकि नॉर्मली फैमिली मना करती है इस तरह का शो करने के लिए। तो क्या कहते हैं इस तरह का मतलब? तो नहीं, इसमें इस तरह का ज़्यादा कुछ नहीं है। ट्रेलर को देख के जो लग रहा है काफी एडिट लग रहा है, इसलिए मुझे नहीं। See, as विधि मैं बताऊंगी, ये जो ट्रेलर आपको लगा कि थोड़ा सा बोल्ड हो सकता है, but it is not exactly what it looks. अगर आप पूरा स्टार्ट को लेके एंड तक देखोगे ना, it's basically a love story of Vidhi and Bhaskar. I consider it as a love story. Yeah, me too. हाँ, क्योंकि उसमें चार parallel stories जा रही होती है, like this Mishra and Erika, उसको फिर इनकी लड़की से क्या हो जाता है, and this Deepthi and Gaurav and Rohan and Bhabi. So every time it's happening ki the lust is overpowering love. So वो नहीं होना चाहिए. But Vidhi and Bhaskar अलग इसलिए है कि भास्कर वर्जिन है उसके बावजूद भी विधि लव्स हिम विधि के पीछे बस बहुत सारे लड़के उसके पीछे हैं बट स्टिल उसको भास्कर पसंद आया तो लव स्टोरी वैसे जा रही है तो ये लव स्टोरी है ये वैसा वैसा नहीं है एंड फैमिली की बात आप कर रहे हो तो फैमिली या सो आई एम फ्रॉम अ टीवी बैकग्राउंड आई एम अ टीवी एक्टर मैंने 4 शोज किए तो उसके बाद इट वाज लिटिल डिफिकल्ट जब मुझे पहली बार कॉल आया तो उसने मुझे बोला मतलब साक्षात he is our co-director he just told me would you like to audition कि तुम ना एक कैरेक्टर में बहुत अच्छा जा रही हो तुम बस ऑडिशन दे दो उसका बट थोड़ा सा बोल्ड है यार मतलब बोल्ड मतलब एक तो सीन्स है रोमांटिक सीन्स है और एक्चुअली में आप देखोगे ना तो आपको सीन्स अच्छे लगेंगे ऐसा कुछ नहीं है तो मैंने मम्मी को फ़ोन किया कि विल यू बी फाइन अगर मैं करूँगी तो शी सेड हाँ ओके ऐसा कोई नहीं है आजकल तो सब करते हैं और दिस इज लाइक फैक्ट दिस इज रियलिटी एंड यू शुड नेवर बी अफशेम्ड ऑफ योर ओन बॉडी इट्स ओके थोड़ा सा कैरेक्टर के बारे में ब्रीफ कर देता हूं मैं चाहूँगा कि ऑडियंस शो को देखे और खुद ही कैरेक्टर्स को समझे पर हाँ पर टॉकिंग अबाउट भास्कर द टाइटल सेज अ लॉट ऑफ इट कि भास्कर है बट मोर देन वर्जिनिटी आई थिंक जितनी परेशानी भास्कर को अपनी वर्जिनिटी से नहीं है उतनी ज़्यादा लोगों को है उसके दोस्तों को है और आई थिंक उसके सराउंडिंग ही उसकी लाइफ में जो ट्रबल लाते हैं इज़ अ कॉमेडी सो द इंटायर शो जो है वो बड़ा ही आयरॉनिक इसलिए है कि भास्कर अपनी लाइफ से बड़ा सुखी आदमी है पर जो उसके आसपास जो दोस्त हैं जो उसका बेस्ट फ्रेंड बना है मिश्रा और उसके जो आसपास के जितने लोग हैं वो सब उसको पोक करते रहते हैं पर लेकिन वहीं पे ही भास्कर का एक साइड है जो कि मजबूर करता है उसकी पॉकेट मनी के लिए वो एक किताब लिखना शुरू करता है और वहाँ पे वो आउट ऑफ इमेजिनेशन और बड़ी वेग इमेजिनेशन करने लगता है वो किताबें लिखता है वो सक्सेसफुल हो जाता है उसमें लेकिन जब उसे विधि से प्यार होता है वो इस आइडेंटिटी को बताता नहीं और जब विधि को पता चलता है तो उसको लगता है शायद ये आदमी मुझसे वो आदमी मुझसे कुछ छुपा रहा है और इस वजह से जो जिस ट्रबल से भास्कर गुजरता है दैट्स द इंटायर ये पृष्ठभूमि है रादर देन एनीथिंग सेक्सुअली एक्सप्लिसिट बट एक प्यारी सी लव स्टोरी है पूरे शो में और भास्कर एक बड़ा ही प्यारा सा कैरेक्टर है एंड विधि मेरा कैरेक्टर जो है वो विधि पांडे का है तो विधि पांडे बहुत हाँ दबंग समझे कहते हैं विधि पांडे मतलब यहाँ भास्कर गर्लफ्रेंड है रिलेशनशिप में और ये बॉयफ्रेंड है तो विधि समवन वो पहले अप्रोच करेगी मतलब भास्कर को चलना क्या यार थोड़ा मतलब एक जो होता है ना पुश जो लड़कियों को इनिशिएट करना चाहिए ये नए जमाने की सशक्त महिला है तो विधि हमेशा हर जगह पे करती है इनिशिएट एंड शी इज लिटिल इंपल्सिव वो मतलब हर एक डिसीजन मतलब वेरी शी इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड और डिसीजन मेकिंग में ज़रा भी डिले नहीं करती शी जस्ट एंड शी इज वेरी गट्सी ऑल्सो पूरी फियरलेस पूरी मतलब जो लोग बोलते हैं ना दमन तो वही है तो अगर जब भास्कर से मिलेगी ना पूरा ताव में मिलेगी क्या क्या चाहिए तुमको तो दैट्स हाउ शी इज जब ये शो ऑफर हुआ था तो क्या माइंड में चल रहा था कि ऐसी कौन सी चीज़ दिल को छू गई जब तक हमें पसंद ना आए कोई चीज़ को हम करना नहीं चाहते हैं तो इसमें स्क्रिप्ट में क्या चीज़ लगी कि हाँ मुझे करना चाहिए आई रिमेंबर बहुत लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट 2 years अगो नाउ 2 साल हो गए उस बात को और जब ये मेरे पास एज अ स्क्रिप्ट आई फ्रॉम मनीष हु इज़ द राइटर ऑफ द शो एंड रश्मि हु इज़ द को प्रोड्यूसर ऑफ द शो सो शी एंड मनीष सेड कि हमारे पास एक स्क्रिप्ट है आपको टेस्ट के लिए उसके लिए आना है तो उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट भेजी एंड फ्रॉम द फर्स्ट वर्ड गो मैंने जैसे उसे पढ़ा इट डिड नॉट इवन टेक मी लाइक 2 minutes टू रिलेट विद दैट कैरेक्टर बिकॉज वो इतनी मज़ेदार तरह से लिखा हुआ था कि कोई डाउट ही नहीं था और कोई भी कैरेक्टर जिससे मैं रिलेट कर जाता हूँ मुझे लगता है कि जिन ऑडियंस के लिए मैं काम करता हूँ वो रिलेट कर पाएंगे तो उसमें कोई परेशानी मैंने पढ़ा उसे और मुझे लगा कि ये मैं करना चाहता हूँ और दिस इज़ समथिंग दैट आई वुड लव टू डू और वो हुआ भी इवेंचुअली नाउ प्रोडक्ट आप सबके सामने ही है तो ज़्यादा परेशानी नहीं थी उसमें कोई सोचना नहीं था और ऐसे किरदार बहुत कम ही होते हैं अदरवाइज़ होता है कि आपके पास स्क्रिप्ट आती हैं तो आप बहुत सोचते हैं यार करें ना करें ये वो बट कुछ कैरेक्टर्स होते हैं आप पढ़ते हो और आपको लगता है ये आप करना चाहते हो ये आपको करना चाहिए सो इट वॉज़ वेरी इंट्यूटिवली जैसी वो स्क्रिप्ट आई उसे पढ़ा देयर वाज नो डाउट्स रादर आई वाज लाइक कि ये कैसे भी करके मुझे करना है आई वॉन्ट टू डू दिस एंड मेरा मुझे तो दूसरी बार सोचना ही नहीं पड़ा बिकॉज इट्स फ्रॉम ऑल्ट बालाजी प्लस एकता मैम एंड मेरे लिए बहुत बड़ा लॉन्च और बहुत बड़ा बिग ब्रेक था एंड ऊपर से संगीता She was the yeah, she was directing. So मुझे बस दूसरा कुछ option आया ही नहीं. मुझे लगा कि of course because I trust her more than anyone else, her Ekta ma'am. क्योंकि मैंने नागिन किया तो I know about Balaji and everything. तो so they are very trustworthy. I know just ये Balaji है तो हाँ okay. So and ऊपर से प्लस पॉइंट ये था कि जब विधि पांडे का जब कैरेक्टर मुझे ब्रीफ किया गया और मैं जब ऑडिशन किया, मैंने ऑडिशन करके बस भेज दिया था. और मैंने जब सर मतलब राइटर आई जस्ट आस्क्ड हिम कि सर और क्या चाहिए, व्हाट यू वांट एग्जैक्टली, कैरेक्टर में हो रहा है नहीं हो रहा है. तो ये जैसे तुम्हारी ना प्लस पॉइंट ये है कि तुम्हारी शक्ल विधि पांडे से बहुत ज़्यादा मतलब इन हिज है जो उन्होंने इमेजिन किया था, तुम्हारी शक्ल विधि पांडे से बहुत मिलती है, तुम थोड़ा बहुत एक्टिंग कर लोगे ना चल जाएगा. तो मैंने ओके, तो विधि पांडे इतनी डिफरेंट है, मुझे बहुत मजा आ गया करके, मतलब वेरी चैलेंजिंग. आई लव द कैरेक्टर. आई थिंक ये चीज़ बहुत अच्छी थी कि जितने भी हम लोग जिन्होंने कैरेक्टर्स किए हैं उनको अपने कैरेक्टर से बहुत प्यार था. तो ये और ये बहुत ज़रूरी होता है कैरेक्टर के लिए, टू एम्पथाइज विद योर ओन कैरेक्टर. सो दैट वर्क्ड इन अ वेरी एंड वी आर एबल टू ब्रॉड दोज कैरेक्टर्स अलाइव एंड दैट्स व्हाट आई द काइंड ऑफ फीडबैक दैट आई एम गेटिंग थ्रू ट्रेलर कि सब लोग लग रहे हैं जो जहाँ के हैं. मतलब तुम भास्कर लग रहे हो, वो विधि लग रही है, वो मिश्रा लग रहा है. सो आई थिंक दैट्स अ पॉजिटिव फीडबैक. या दैट्स अ पॉजिटिव. किस तरह का एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल का? कितना मजेदार. अच्छा था. मतलब इट्स वेरी हार्ड टू वी बॉन्डेड बिकॉज हम लोगों ने एक तो इतना थोड़ा कम टाइम था हमें शूट करने के लिए और हम लोग पूरा दिन शूट करते थे और डिफरेंट लोकेशंस पे. तो और बनारस इतनी मज़ेदार जगह है कि इट एक्सेप्ट्स यू प्रीटी वेल. आई मीन एक दो दिन बाद ऐसा लगा जैसे हम यहाँ पे कब से रह रहे हैं. इट जस्ट दिस सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस वो बहुत जल्दी डेवलप हो जाती है वहाँ पे, बिकॉज लोग इतने घुलने मिलने वाले हैं. नो हर चाय के स्टॉल पे या फिर हर कहीं खाने के स्टॉल पे 10 लोग आपसे कई सारी पर्सनल बातें भी पूछ लेंगे. मतलब देयर इज नो बाउंड्रीज एज सच. बड़े खुले मिजाज के लोग हैं. तो आई थिंक पूरा मज़ा, राइट फ्रॉम खाना टू वर्किंग टू द घाट्स. ऐसा अगर शूटिंग नहीं हो रही है तो घाट पे पहुंच जाओ. आई रिमेंबर मैं कॉल टाइम से आधा घंटा या फिर 15 मिनट पहले पहुंचता था बिकॉज सो दैट आई कैन टेक अ वॉक एट द घाट्स. और उसके बाद आराम से बैठे हम लोग बैकअप के बाद कहीं वॉक पे चले जाए रात में. मतलब 80% ऑफ द सीन्स इसके होते थे. मैं, मिश्रा जी और रोहन वी यूज्ड टू जस्ट रोम अराउंड. मेरे तो सीन्स होते थे 2-3 घंटे में. हां बैठो. सो अच्छा, ऑफ स्क्रीन कुछ बनारस की कुछ यादें जो हमसे शेयर कर सकते हैं या फन मोमेंट्स, क्योंकि काफी सुंदर है बनारस. आई थिंक हमारे लिए वो फन था, इसके लिए ट्रैजिक था क्योंकि हमने बहुत मजाक किया है इस पे. और विच इज़ वाई बिकॉज शी इज़ सो स्वीट. एंड आई स्टिल रिमेंबर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. हम लोग ऑफिस में मिले रीडिंग के लिए, स्क्रिप्ट रीडिंग के लिए. एंड ये बहुत ही डेडिकेशन के साथ आई थी. एंड देन और ये सब पे बिलीव कर रही थी कि दिस इज़ जस्ट परफेक्ट एंड दिस इज़ जस्ट अमेजिंग. और तो वो जो नाइविटी थी, आई थिंक एवरीबडी गॉट इट कि ये बहुत नाइव है, ये बहुत ही भोली है. एंड देन अब तो मज़े लेने बनता है. तो जितने प्रैंक्स इस पे किए गए मुझे नहीं लगता और किसी पे किए, बट वो बहुत बड़े फ्लॉप हुए हैं. तो ये इसने बाद में सोचा कि नहीं अब मैं भी प्रैंक्स करूँगी, बट तब तक सबने सोचा कि नहीं छोड़ो इसे. कोई इस पे ध्यान नहीं दे रहा. अच्छा, तो एक शेयर कर दीजिए. हाँ, कुछ शेयर कर दीजिए हमसे. I think so what happened is Sangeeta ma'am, who is the director, Sakshat, who is the assistant director, three of us and हम तीनों ने decide किया कि मैं इसको थोड़ा सा attitude दूँगा. मतलब मैं इससे बात नहीं करूँगा और फिर मैं सेट पे जाऊँ. एंड देन दिस केमिस्ट्री स्टार्ट हैपनिंग ऑन द सेट्स. हम लोग उससे पहले रीडिंग में भी मिलते थे, ये सब होता, सारी तरह की बातें होती थी. बट सर मैं सेट पे जाके अपने को डिस्टेंस करना शुरू कर दिया और हम लोग इसको ऐसा हाँ बहुत प्रोफेशनल. आई यूज्ड टू एक्ट लाइक कि भाई हु आर यू. और ये हमेशा आके पूछती थी कुछ हुआ क्या, मैंने कुछ किया. और हम लोग ये सब करके और मैं उसे फिर भी एटीट्यूड देता था. और मैं और हम लोग डायरेक्टर सब लोग वापस बाद में मिलते थे और बोलते थे यार आज बहुत मजा आया, वो बहुत डर रही है, वो बहुत कर रही है. और ये फिर डायरेक्टर मैम के पास जाती थी, लगता है वो मुझसे नाराज है, लगता है वो मुझे लगता है मैं कुछ गलत कर रहा हूँ. But then later on we all kind of be like कि हमें रैगिंग करनी थी तुम्हारी, तो जो कॉलेज में नहीं की वो हम सेट्स पे कर रहे थे. So I think it was a nice ice breaker and we accepted each other the way we are. जो कंटेंट है उसी को लोग पसंद कर रहे हैं. इवन वेब की बात करें तो अगर कंटेंट नहीं आपके पास टॉप ब्लॉग हो, आप भले ही फिल्म में हीरो हो या फिर कॉमर्स हो, क्या कहना चाहिए इसके बारे में? आई मीन आपने बहुत कुछ कह ही दिया उसमें कि यहाँ पे ऑडियंस किसी के फेवर में नहीं है. द ओनली फेवर दैट दे टेक इज द स्क्रिप्ट. आपने देखा होगा कोई बहुत बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजीज भी जिनके सीजन 2 आए वो अच्छा काम नहीं किया एंड दे आर बिग फ्लॉप. उनके पर मीम्स बन गए, मतलब ऑडियंस पे मजाक उड़ाने में भी, हाँ ऑडियंस पे मजाक उड़ाने में भी बहुत ब्रूटल हो जाती है फिर कभी कभी. लेकिन तो इसीलिए आई थिंक वेब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कि फॉलोइंग सिर्फ कंटेंट को लेके है, स्क्रिप्ट को लेके. अगर आपका शो अच्छा है तो वो चलेगा इररिस्पेक्टिव की कौन सी कास्ट सपोर्ट कर रही है. और ये बहुत अच्छा चेंज है फॉर एक्टर्स एंड राइटर्स एंड डायरेक्टर फिल्म मेकर्स एज वेल कि बीट फिल्म्स और वेब सीरीज ऑडियंस जो है वो कंटेंट को ही पसंद करिए. अगर आपकी स्टोरी अच्छी है, आपकी राइटिंग अच्छी है तो वो इररिस्पेक्टिव आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, आपकी फॉलोइंग कितनी है, कि आप कितने बड़े स्टार हैं, कितने न्यू कमर हैं, इट डजंट मैटर एंड दे जस्ट लाइक यू फॉर द कंटेंट एंड द कैरेक्टर एंड द ऑनेस्टी ऑफ परफॉर्मेंस दैट यू ब्रिंग इन द शो. या कुछ ऐड करते न्यू कमर्स के लिए खास तौर पे कितना बेस्ट प्लेटफॉर्म मानती है न्यू कमर्स के लिए? ओके, क्योंकि कहीं आप भी इससे शायद मेरे हिसाब से आप भी डिजिटल में डेब्यू कर रही है इसके थ्रू, राइट? तो न्यू कमर्स के लिए तो काफ़ी आई मीन अभी क्या है ना, देयर इज़ अ रेंज ऑफ एवरीथिंग. अभी सब कुछ मतलब लिमिटेड नहीं है. टीवी और मूवीज ऐसे नहीं है. अभी सब कुछ बहुत वेब शोज आए ना, लाइक नेटफ्लिक्स एनी अदर चैनल्स, सबके साथ ना क्या होता है, और वो 10 एपिसोड्स भी आप एक महीने शूट करते हो, आपका भी दूसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है, तीसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है. तो एक आर्टिस्ट एक प्रोजेक्ट में वैसे नहीं होता कि सालों साल तक एक ही प्रोजेक्ट में है और दूसरों को चांस नहीं मिल रहा है. मतलब नए लोग आते हैं तो उनको जल्दी, एंड नाउ पीपल आर लुकिंग फॉर फ्रेश फेसेस, उनको फ्रेश फेस चाहिए, दे आर लाइक क्रेविंग फॉर दैम. एंड आई थिंक और जो मुझे लगता है कि जैसे टेलीविजन हो गया, फिल्म्स हो गया, वो कहीं ना कहीं या तो रीजनल या कंट्री बाउंड होती हैं. But the moment you are in an OTT platform, you are compared globally then. You know, आपका competition शायद एक अमेरिका की वेब सीरीज से भी हो सकता है, क्योंकि because it's all about viewership. And so yeah, and especially talking about Alt, which is a homegrown OTT and doing so well. So it's a result कि audience सिर्फ content को समझ रही है, and then you know आपको भी समझ में आता है कि आपकी domestic audience को क्या चाहिए और वो क्या पसंद कर रही है. 17 यार 2 दिन के बाद में देखा जाए तो ऑन एयर हो जाएगा ये शो. क्या महीने क्या चल रहा है, क्योंकि इस इसी ईयर में स्टार्ट किया हम बोल सकते हैं कंप्लीट हो चुका है. अब क्या चल रहा है? I'm excited and nervous really because ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है हम सभी के लिए एज एन एक्टर, और हम सब ने बहुत मेहनत की है. Like we try to be as sincere as we could for to play this character, be it Bhaskar, be it Vidhi, और सभी ने ना बड़ी शिद्दत के साथ लिखा है, बनाया है. like writers बड़े emotionally script के साथ जुड़े हुए हैं, directors बड़े emotionally. तो जहाँ पे emotional bond हो जाता है ना, तो वहाँ पे आप ज़्यादा possessive हो जाते हो. More than possessive, you become more sensitive about a subject. तो ये हम सभी लोग बड़े sensitive हैं इस चीज़ को लेके, so which is why I am anxious, nervous and excited all at the same time. So there are like too many emotions. Initially मुझे लगता था ये सिर्फ मेरे साथ है कि मुझे इतना excitement भी है, nervousness भी है, but ये हर एक इंसान, be it our producer, writers, directors, सबके लिए ना it's like this show is like our baby. मतलब बहुत हमें बहुत प्यार है इस show से. बस ये कि अच्छे से success हो जाए और yeah I'm excited. मैं बहुत खुश भी हो जा रही हूँ, लेकिन अंदर बैक ऑफ द माइंड में चल रहा है क्या होगा. तो लाइक वो दोनों चीजें चल रही है. अच्छा, कितने एपिसोड्स आने वाले हैं इस सीजन में? 10. तो क्या नेक्स्ट सीजन भी आएगा? क्योंकि एक स्टोरी रहती है, स्टोरी से एटलीस्ट आप लोग को तो मालूम है. आई होप सो यार सीजन 2 आई होप सीजन 2 आए एंड देन ऑडियंस, अगर ऑडियंस इसे पसंद करेगी तो डेफिनेटली सीजन 2 आएगा. और हाँ, हम लोग पर्पसली जहाँ पे स्टोरी जहाँ पे ख़त्म हो रही है वहाँ से शुरुआत की पूरी चांसेस हैं. तो अगर ऑडियंस ने इसे पसंद किया तो डेफिनेटली सीजन 2 कई सारे सीजन आएंगे. फाइनली क्या बोलना चाहिए लोगों को? वॉच वर्जिन भास्कर ऑन 19 नवंबर ओनली ऑन ऑल्ट, बालाजी एंड Z5. यस. और बड़े प्यार से बनाया हुआ एक शो है, तो एक बार ये मौका जरूर दें, देख लेना। Starting with. Can I have a bottle of water, please? Yes. Just forget it. Erase कर दो.